अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे व्लॉग। आज मैं गांव आया हुआ हूँ, तो आज अपना गांव दिखाऊंगा आपको और गांव की जो रूटीन होती है, डेली की रूटीन, जो डेली के काम होते हैं आज हम आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम सवारी, देख रहे हैं मेरी सवारी, प्यारी सी सवारी। सबसे पहले हम सवारी करेंगे। नाज़रीन, अब हमारे पास एक चैलेंज आया है कि अगर पानी सा है हल्का सा, देखते हैं हमारी जो गाड़ी है प्यारी सी, ये सफ़र करती है कि नहीं। अदा चेक रख, चल चल चल, देखते हैं। दो दोस्त अब मिलती हैं, वापस में बातें की ख़त्म तो नहीं होती, ये लगता है ये भी बातें करना शुरू हो गई हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ओ देखें, एक्सीडेंट भी हो गया है यार। ये मेरा दोस्त है, हेलो, क्या हाल है रिडनी? और बोल तो सही। और यहाँ अब हम मारेंगे भोंगियाँ। यस यस, ये कुदरती माहौल, ये सर सब शादाब, लहलाते खेत, सुभान अल्लाह क्या मंजर है। अरसा दराज के बाद जब गाँव की ठंडी हवा नसीब हुई, तो उसमें जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं, जब फीलिंग्स हैं, वो शेयर करूं। तो नाज़रीन, जो हमारे डेस्टिनेशन थे उस पर पहुंच चुके हैं। हम लोग जिस काम के लिए आए थे, अभी आप देखेंगे कि हम क्या काम करते हैं। गांव वाले लोग जब बैठे होते हैं पैंट शर्ट पहन के, तो आपको लगता नहीं कि ये बड़ा झाती है कि नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम झाती हैं, सेहत भी हमारी अच्छी है। अब हम जा रहे हैं काम करने, जो काम है हमारा लस्सी। जी दोस्तों, ये चारा था जिसको हम लेने आए हैं। हवा चल रही है ठंडी, इसको हमें अब उसको बांध के ना, जो हमारी घर वाली भैंसें हैं, घर के लिए भैंसें हैं, उनके लिए लेके जाएंगे। चले अपना काम।
आपको मेरी घर में इज्जत का अंदाजा हो जाएगा कि मेरे जो गद्दा है वो भी मेरा कहना नहीं मानते। नाजरीन ऐसे तो होता है ऐसे कामों में। हंसते चेहरिया का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता। ओ तो ये देखें दोस्ती काम आ गई मेरी, जो मेरा दोस्त था उसने काम दिखा दिया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो जी नाजरीन जो नेक्स्ट हमारा काम है इसको काटना है, इसको मेरी लैंग्वेज रखी है तो उसको उसमें लैंग्वेज में इसको कहते हैं जंतर। आपकी लैंग्वेज में से जो कहते हैं तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए काटते हैं। आप पसीना देख सकते हैं और वैसे भी जो पसीना है वो मर्द की निशानी है, तो हमें पसीना इतना है कि हम पक्के पक्के मर्द बन चुके हैं। आप इस लड़के की बातों पर गौर ना करें, इसके पीछे जो ग्रीनरी है उसको उसकी ब्यूटी को फील करें। खैर जो ट्रैफिक जैम का जो मसला है वो सिर्फ शहरों में नहीं है, देहात में भी ट्रैफिक जैम होती है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम है अब भी। नाजरीन हमारा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टास्क में। तो नाजरीन अब जो हमारा काम है, अब हम जा रहे हैं नहाने, तो शर्ट थोड़ी शायद बड़ी हो, भाई की शर्ट पहनी हुई है मेरी थी नहीं। अरे नहाने अब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है तो आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। चलिए आ जाए चलते। नाजरीन मैं पहुंच चुका हूँ बहुत ही बड़े स्विमिंग पूल पे, जो गांव का सबसे मशहूर स्विमिंग पूल है। पानी ठंडा सा लग रहा है, मुझे बहुत ही मज़े का स्विमिंग पूल लग रहा है, तो आइए आपको दिखाते हैं स्विमिंग पूल मेरा। तो नाजरीन ये रहा मेरा स्विमिंग पूल। कैसा लगा मेरा मजाक? नाजरीन हम आप नहा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, तो आप ग्रीन ग्रीन माहौल है बिल्कुल। धूप तो है लेकिन उसके अलावा ग्रीनरी हर तरफ, और मेरे कुछ दोस्त भी आ गए हैं। आप देखें हम आपको दोस्त दिखाता हूँ, मैं आपको दोस्त दिखाता हूँ अपने। ये रहे मेरे दोस्त, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, और शॉर्ट की भी मेरी तरह से बड़े भाई की पहनी हुई है। और यही कुछ मैं चाह रहा था, मेरे रिश्तेदारों में इज्जत आपको भी नजर आ जाएगी। आके इसको ओए पॉइंट ला 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 अब मैं जा रहा हूँ घर। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, देख के सिर्फ मचले जाए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पे जो पेज है फैजलोजी, इसको लाजमी फॉलो कर दें।
ताकि जो इस तरह की मेरी एडवेंचर लाइफ है, अल्हम्दुलिल्लाह एडवेंचर लाइफ है, ओहो यस, और लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहे बार वक्त, और साथ साथ जो क्रिकेट की मालूमात है वो भी आप तक पहुँचती रहे। तो आप ये ग्रीनरी देख सकते हैं, प्यारी प्यारी सी ग्रीनरी, हल्की हल्की धूप है, धूप तेज़ है, लेकिन क्योंकि मैं नहा के जा रहा हूँ तो बहुत ही फ्रेश गांव की खूबसूरती, बकरियाँ हमारी प्यारी प्यारी सी, चुन्नी मुन्नी सी। और हाँ, इसके बारे में मैंने आपको बताना था, वैसे भी ये है मेरा सिम्बा, इसको मैं सिम्बा नाम दिया हूँ मैंने इसको, मेरा सिम्बा, इसका अगर आपने द लायन किंग फिल्म देखी हुई तो उसमें सिम्बा था, और उसका बेचारा जो है वालिद फौत हो गया था, और उसकी बेचारे की वालदा फौत हो गई थी, उसको मैंने सिम्बा नाम दिया है। बहुत ही प्यारा है, मुझे प्यार करता है मुझसे, अभी भी देखे नखरे कर रहा है ये, तो घूम कर चेक चेक इट यस।